गुड आफ्टरनून गाइस, आज नहा लिया है मैंने। नहाने के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और फाइनली मुझे मेरा कैमरा का जो ये कैप है ये मिल गया। मम्मी को मैंने सारे सब्जी चॉप कर दिया है। ये है पम्पकिन, तुराई, झींगा और आलू, और इधर पे है बैंगन जो बहुत ही ख़राब है। इतना दानेदार बैंगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये है गाठी, यम। और ये है राइप जो जैक फ्रूट होता है कटहल, उसका जो अंदर का सीड होता है ना, उसको बॉयल करके अगर आप ऐसे कुछ पाँच मिसाली तरकारी बोलते हैं हम बंगाली में, मतलब मिक्स्ड वेज में डालोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें इधर काटुआ डाटा है ना, काटुआ डाटा है, मेरी बड़ी माँ बनाती थी तो काटुआ डाटा इधर पे मिलना मुश्किल है। इसका अभी मम्मी सब्जी बनाएंगी, मैंने चॉप कर दिया है। और मम्मी ने दाल बनाया है, ये पतला पतला खाना ही अच्छा लगता है ना गर्मी में। और कल का थोड़ा सा साग भी बच गया था, बस ये होगा आज का सिंपल लंच। देखते हैं ग्लोपू रानी क्या कर रही है। सो गई बबू, सो गई। उठो मामा, उठो मामा, मैं छोटी मामा। ग्लोकू का शैम्पू हो रहा है। आ ग्लोकू उठ ताका। ऊपरे ऊपरे। ए बबली, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बाबू। ग्लोकू के पास गिने चिने बाल है, हजार होगा। उसमें शैम्पू हो रहा है। और ग्लोकू का कोई कंडीशनर नहीं है। करो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग खाना खा रहे थे, ग्लोब को चारों साइड से पिलो से घिर दिया है मम्मी ने, पिलो और कुशन से। फिर भी देखो इधर सोई थी, ऐसे हो गई है। आजकल ना ग्लोब को थोड़ा सा क्रॉलिंग करने की कोशिश कर रही है, हो भी रहा है, कोशिश सक्सेसफुल। मामा ओझो ना माँ की देखो, पौधा पौधा देखो, कर्टन उठता है ना वो ही देखती है, अच्छा लगता है। एज़ पर माई प्रॉमिस, अनिवान को रात को कुछ अच्छा बना के दूंगी। फादर्स डे के लिए उसको ट्रीट देना था तो इसीलिए सुबह को हल्का पतला खा रहे हैं। रात को अनिवान को ट्रीट देना है इसीलिए काबुली चना मुझे भिगोना था, पर मैं ना भूल गई थी। सो थोड़ा सा गर्म पानी में अगर आप भिगोते हो ना तो 5 घंटे में भी वो भीग जाता है, अदरवाइज तो ओवरनाइट या 10 या 12 घंटा सोक करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करके उसके अंदर भिगो दिया था। खाना वाना हो गया है, वॉशिंग मशीन में कपड़े रख के भूल गई थी, वो भी ग्लोकू का, उसको वॉश करना है। और आज ना काफ़ी अच्छा वेदर है, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रहा है कहीं पे, इधर पे तो नहीं हो रहा, कोलकाता में शायद बारिश हो रहा है ना। पहले मेरा ये बड़े से बैल्कनी से निकलते हैं क्योंकि मेरा बैल्कनी इतना बड़ा है ना, एक बार घुसती हूँ तो निकल नहीं पाती हूँ। अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या हुआ है, हमारे हैदराबाद के हमारी गली के बाजार से तो मैंगो मिल ही नहीं रहा है। पहले इतना मैंगो था, 40-50 रुपीज़ ऐसा केजी था, अभी मैंगो का प्राइस भी दुगना हो गया है, 100-120 मांग रहे हैं। ग्लोकू को फीड कराने के बाद इतना भूख लगती है ना, और उस भूख में ना चटपटा खाना खाने का बहुत मन होता है। आपके साथ मैंने शेयर किया था वो जो मिठाई का दुकान है ना, माँ तारा कोलकाता स्वीट्स, हमारे ऑनर एक्वांटिस की ऑपोजिट में जो ड्राइव इन है उसमें, उधर से लेके आई थी। ये मैंगो का स्वीट पिकल है, ये सब ना हम लोग स्कूल से निकल के खाते थे। ग्लोकू का हर मंथ की जो बर्थडे डेट आता है ना उसमें हम लोग छोटा सेलिब्रेशन करते हैं, थोड़ा सा केक कटिंग करते हैं और उसका एक फ़ोटोशूट करते हैं नए कपड़े पहना के। तो कल परसों था एक्चुअली, पर उस दिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो, और हम लोग निकले भी थे तो इसीलिए आज वो करेंगे, क्योंकि सब सेलिब्रेशन एक साथ होगा, सब पेंडिंग सेलिब्रेशन एक साथ होगा। झटपट आपको बता देती हूँ कि क्या बनाऊँगी मैं रात को। रात को बनाऊँगी मैं नान पूरी। नान जो होता है ना वो तंदूर में सेका हुआ जो नान होता है वो डिफरेंट होता है, नान पूरी जो है ना वो तला हुआ होता है लूची पूरी के जैसा, उसी लिए नाम है नान पूरी। और उसके साथ बनेगा चना मसाला और मैं बनाऊँगी चिकन तंदूरी एयर फ्रायर में, ठीक है। सो चना बना लेती हूँ, चिकन मैरिनेट कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा दुकान जाऊँगी। बहुत ही यूनिक प्रोसेस से मैं छोले बना रही हूँ, मतलब चना हम लोग बंगाली में बोलते हैं। तो 2 कप चने को मैंने आपने देखा भिगो के रखा था,
और 5-6 घंटा के गर्म पानी में था, अदरवाइज आपको 10 घंटा भिगो के रखना है। 2 अनियन लिया है राफली चॉप, 2 टमाटर राफली चॉप, 3 हरी मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ा सा डंठल दालचीनी का, 1 बड़ा सा बड़ी इलायची और 7-8 जो लहसुन की कलियां लिया है, और 7-8 मैंने यहाँ पे लिया है लौंग। इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, पानी और बस ढक्कन लगा के 10 सीटी दूंगी। एक फ्राई चिकन तंदूरी के लिए पहले मैंने थोड़ा सा ऐसे बेसन को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, और कुछ चंद मसाले लिया है मैंने। आप देखो, हल्दी पाउडर, नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बेसन, और 1 चम्मच लूँगी 2 चम्मच भुना हुआ बेसन, कसूरी मेथी। ये है चिकन मसाला, या तो फिर आप तंदूरी मसाला ले सकते हो। ये है कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा लाल रंग के लिए, नमक, गरम मसाला, 3 बड़े चम्मच दही का हंकर बनाया है तो 2 बड़े चम्मच दही अभी इस पे है, ये डाल देंगे। एक मसाले डाल देंगे, 1/2 लेमन जूस मिला लेंगे। अभी यहाँ पे मैं चिकन के पीसेस डाल रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा पीसेस अच्छा है, तो अगर आप सारे जो है ना लेग पीसेस ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और लेग पीस को थोड़ा सा चाकू से इधर उधर कर लीजिए ताकि मसाला अंदर तक जाए। ऑफ कोर्स थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालना है, जो मैं भूल गई थी, 1 बड़ा चम्मच ऑयल काफ़ी रहेगा। सभी चीज़ों को चाहे तो हाथों से लगा सकते हो, मुझे तो हाथों से करने में अच्छा लगता है, या तो फिर चम्मच से कर लो। इसको ढक के अभी हम लोग 1-2 घंटा रख देंगे। शाम के टाइम हो रहा है 6:20, अनिर्बन का 7 बजे मीटिंग है, तो मैंने बोला है थोड़ा सा निकलो, मुझे 1-2 चीज़ खरीदना है। बेसिकली मुझे ग्लोकू का ना बहुत सारे खिलौना का बैटरी खरीदना है, तो 2-3 महीने से नहीं खरीद रहे, अभी उसका टाइम आ गया है उस सारे खिलौने से खेलने के लिए। और बैटरी मैं लेके आऊँगी, अनिर्बन फिर डांटेगा ये क्यों लेके आए, ये लेना था वो ले, तो जिसका डिपार्टमेंट है उसी का सामान है दे देते हैं। बाकी सब काम करेंगे। इधर मैं हाथ पर भी ऐसे ले से लगू बंदर के लिए बंदर उल्टी तो लगू लगू मेरे से देवे भेंगे आये पे ईस्ट लिया है, जिसके अंदर मैं 1 कटोरी ल्यूकॉम वाटर डाल दूंगी। 10 मिनट के लिए इसको ढक के रखूंगी। प्रेशर कुकर खोल दिया है, देखो चना का जो है ना, ये इसका जो खड़े मसाले है जो हमको नहीं खाना है उसको ऊपर ऊपर उठा के फेंक दूंगी, और टमेटो का जो ये स्किन है ना ये भी देखो आसानी से आ जाएगा, उसको भी फेंक देंगे। फटाफट 7 बज रहा है, मैं आटा लगा देती हूँ, चीनी, नमक और 2 चम्मच ऑयल। इसके अंदर ऑलमोस्ट 1.5-2 कप जाएगा मैदा, ये मैदे का ही बनाना है, आटा नहीं होगा। पहले इसको नमक, चीनी और ऑयल में थोड़ा सा मैं मिला लूँगी। 10 मिनट हो गया है, ईस्ट हमारा घुल गया है, तो ये जो ईस्ट वाला पानी है ना ये डाल देंगे हम ये मैदे के ऊपर, इसको भी हम थोड़ा सा मिला लेंगे। नेक्स्ट इसमें थोड़ा थोड़ा ल्यूकॉम पानी डाल के इस डो को बेल लेना है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनता है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक के 1.5 घंटा एटलीस्ट रखना पड़ेगा, 2 घंटा अच्छा होगा। मैं ना आपके सामने नहीं आऊँगी जब तक बाल नहीं मैं कटवाती हूँ, बहुत गंदी दिख रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो शाम के लिए मम्मी ने
थोड़ा सा बना दिया है मुरमुरा, मतलब बनाया नहीं है, मुरमुरा और मिक्सचर बोलते हैं ना हम लोग, चनाचूर बोलते हैं। ऑलमोस्ट 8 बज गया है तो खाना हम अभी रेडी करना चाहिए, 8:30 के अंदर तो खाना चाहिए, पर होगा नहीं, आज 9 बज जाएगा। सो चलो चना मसाला आधा बनाया था, आधा दिखाती हूँ। इस तरह से अगर आप चना मसाला बनाओगे तो आप विदाउट ऑयल भी बना सकते हो। सो देखो मैंने बोला था चना को बॉईल कर लिया था, इसके अंदर ये चाय बनाया है ओनली लीकर, ठीक है, इसका जो पानी है वो छान के डालना है। नेक्स्ट मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, मम्मी सब लोग खेल रहे हैं इसीलिए आवाज़ आ रहा है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक ऑलरेडी डाल दिया था। जब तक पानी हल्का सा सूख ना जाए तब तक कुक करेंगे। और इसके अंदर ना आपको ये डालना है, ये है बेकिंग सोडा, इससे जो है ना चना बहुत अच्छे से, वैसे ही देखो सॉफ्ट हो गया है पर इसमें थोड़ा सा झाग आएगा, और इसको अच्छे से आपको बॉयल करना है, ठीक है। इसका जो कलर है ना गाइस, कोई नहीं पकड़ पाएगा कि आपके इस चने में एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं है। आप उसको विदाउट अनियन गार्लिक भी खा सकते हो, मैंने अभी तक जिंजर तो दिया ही नहीं है। सो इस तरह से आप खा सकते हो, पर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। पहले देखो थोड़ा सा आपको कितना ग्रेवी चाहिए उसमें आपने रखना है, तो ऑलमोस्ट सूख ही गया है, मैं और नहीं सुखाऊंगी क्योंकि क्या होएगा ना बाद में ये चना जो है ना थोड़ा सा सोख हो जाएगा पानी में, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप कर दो, इससे क्या होगा ग्रेवी और अच्छा बनता है। एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं है इस चना मसाले में, ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है। नेक्स्ट देखो मैंने ऑयल लिया है 2 चम्मच, आप इसको दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ऑयल गर्म हो गया है तो मैं ऑफ कर देती हूँ। पहले इसके अंदर थोड़ा सा हींग डालेंगे, ओके, जीरा डालेंगे, इधर पे कुछ स्प्रीटेड हरी मिर्च है और कुछ जूलियंस ऑफ अदरक है वो डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली डालेंगे और इसको डाल देंगे इसके ऊपर। और फटाफट से हमें इसका जो लीड है उसको लगाना पड़ेगा। सेटअप रेडी है, अभी अनिर्बन पिक्चर क्लिक करेगा, पर ये दो पेस्ट्री जो है ना कलर भी नहीं आ रहा है, चॉकलेट नहीं लूंगी, पर एक्चुअली चॉकलेट ही महंगी है, ये दो कम महंगी है, यही अच्छा टेस्ट आता है, ये पाइनएप्पल उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो टेस्ट के हिसाब से तो ठीक है पर वो समझ में नहीं आएगा शायद। कैमरा का फ्लैश देखो क्या कर रहा है, देखो इसके साथ मार का से दिया शो ना, मेरा नाटक थोड़ी प्लीज, तुम घर के जो वीडियो बना कर। आज लगता है सभी खाना बहुत बढ़िया बनेगा, तो चलो चिकन बनाते हैं। पहले एयर फ्रायर ओपन करके ना इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूँगी। नेक्स्ट मैं एक एक करके चिकन की पीस लूँगी, ज़्यादा नहीं है, 3 लोगों के लिए ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। ऊपर से क्या है ना गाइस के ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे नहीं पता कैसा बनेगा। सो चलो अभी चिकन को होने में ना 40-45 मिनट्स शायद लग जाएगा। चिकन किधर है, ये देखो चिकन का है ना, इसी में डालना पड़ेगा, ऑन कर देते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस पे कितना टाइम के लिए दिखा रहा है देखती हूँ, 10 मिनट बोल रहा है, 10 मिनट में तो कबाब होगा बट इसमें टाइम लगेगा। अरे वाह ये तो 10 मिनट में बहुत बन गया है, ऑलमोस्ट डन, बस इसको ना मैं थोड़ा सा इसका जो मतलब पीछे का हिस्सा है ना उसको पलट देती हूँ। 10 मिनट में इतना अम्मा देखो 10 मिनट ऑलमोस्ट हो गया ना, सोचा था 8:30 बजे सब कर दूंगी रेडी, ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया था, जस्ट मुझे पूड़िया जो है ना वो तलना बाकी था, पर क्या करूँ वो सोचा कि पहले एडिटिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना फूल गया है,
ये देखो, ये इसको ना फिर से हाथों से मसलना है। देखो तो देखो, मम्मी ने लोई बना दिया है, मैं भी बना सकती हूँ, मुझे लगता है कि मम्मी सही माप में बनाती है। तो थोड़ा सा ना मोटा मोटा करके हमें बेलनी है, पूरी जैसा बनना है पर थोड़ा मोटा होना है, ठीक है। ये वहाँ तो लगेगा सर मार्च, हल्का हल्का फ्राई होगा ये, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो एकदम फूल जाएगा, देखो कितना सुंदर फूल रहा है। तो ज़्यादा इसको आपको फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का फ्राई करना है। देखो फिर भी ये रेडिश हो गया है आपको दिखाने के चक्कर में, पर ये वाइट वाइट बनता है। मोटा छोड़ा कुछ नहीं ये सब देख के भूख जो है ना डबल हो गया। ये क्या बन रहा है बोलो? पूरी नहीं, कचौरी नहीं, और क्या बनेगा? नान पूरी। नान पूरी पता नहीं अच्छा बन रहा है कि नहीं, पर ट्राई किया। इसमें डिफरेंस क्या है नान पूरी और नॉर्मल पूरी में? वो तो खा के पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, नान पूरी तो डिफरेंट। ये थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी हुआ है। समझ में आ रहा है, थोड़ा डिफरेंस है ना? ये थोड़ा सा नरम होना चाहिए। चलो अभी सब प्लेटिंग करती हूँ। एक लगाई मांस खाबी, लगाई मांस खाई मांस, एक लगाई मांस नाम सुन ली आज। लगाई को जब भी चिकन का नाम सुनता है तब भी वो हंसते हैं। चिकन खाओगे? चिकन चिकन खाओगे? रखाई चिकन चिकन। देखो जरा गाइस, ये रेस्टोरेंट स्टाइल बना कि नहीं बना, खिला तो नहीं सकती हो आपको, पर इसका मैं इतना बता सकता हूँ कि इसका जो स्मेल है ना वो एकदम रेस्टोरेंट जैसा हुआ है। ऐसा गार्निश कर देती हूँ धनिया पत्ता, अब देखो कैसा लग रहा है। मनुष्यता का ये जो गार्निशिंग है ना, ये वो बचपन से करते हैं। पहले तो ऐसे गुलाब और बहुत कुछ ऐसे बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। अच्छा लगता है मुझे, मुझे लगता है कि खाना कैसे भी हो आपको थोड़ा सा गार्निश करके खाना चाहिए। ठीक है ठीक है, चलो अभी बहुत जोर से भूख लग गए। चलो अनिर्वाण को अभी ट्रीट देते हैं, ठीक है। लाखों का ट्रीट। ये कौन बना है? ग्लाकू ने बना है? हाँ। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये है चना। अच्छा, मसाला। फाइनली बताओ तुम्हें क्या क्या बनाया है। दिस इज नानपुरी, और ये तो केक है, और ये चना है, चना मसाला। इसका क्या नाम है ये चिकन का? तंदूरी चिकन। क्या चिकन? तंदूरी चिकन। कलर देखो गाइस। इसके साथ आएगा नान पूरी और लास्ट में डेजर्ट में जाएगा केक। हाँ। और क्या चाहिए बताओ? बताओ आप ही बताओ। बेस्ट फादर्स डे। बेस्ट फादर्स डे। ऐसे फर्स्ट टाइम फादर्स डे में इसीलिए ना बेस्ट। पहले नानपुरी, नानपुरी के साथ कचौरी। अरे ये तो बहुत नरम हुआ है। वाओ, ये वाली तो आना ना दे अच्छा। अरे अब क्या करें, शादी का इनविटेशन मिलता ही नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इनवाइट करो तो हम लोग थोड़ा जाएंगे। एक्सेलेंट हुआ, एक्सेलेंट। जैसा ये जितना नरम हुआ है, जितना सॉफ्ट हुआ है, उससे भी बेटर है इसका टेस्ट। आप लोग इसका कलर देख लो गाइस। अभी थोड़ा सा चिकन टेस्ट करते हैं। नहीं नहीं, पहले थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करो। बेस्ट है, बेस्ट। रेस्टोरेंट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे घर में कोई पार्टी होगा तो ये बनाऊं क्या चिकन का? अच्छा पक्का पक्का 100%। ये जितना टेंडर लग रहा है ना ऐसा ही है।
एकदम नरम हुआ है, ऊपर में थोड़ा सा क्रिस्पी है और अंदर में एकदम नरम। अरे ब्लॉक हो गया। आप देखो, मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ, देखो ये देखो। ग्लाको मैं थैंक यू बोल, ग्लाको तोड़ हो यामी कोड़े दिए थी। ग्लाको मुझे नाला दी माखी दी थी। पता है गाइस क्या हुआ था, एक दिन मैं दाल खा रही थी और ग्लाको ने दाल में लाल दे दिया था, मैंने लाल फेंक दिया था और वही दाल मैं खा लिया, मुझे पसंद नहीं था। बाद में बोला सब लोगों ने कि तुम्हारे दाल में लाल था। तो गाइस चलो मैं भी खाती हूँ, ओके। मम्मी का ऑलमोस्ट डन है, अच्छा लगा है सभी? बहुत अच्छा। अब बताओ मेरा रिव्यू गलत था? आज बहुत दिन बाद कुछ बनाकर सैटिस्फाइंग लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। खाली ग्लाको ना कूद पड़े। ग्लाको को भी खाना है। लोग ग्लाको देख रहे हैं, देखो एकदम फुल देख रहे हैं, आँख हटा ही नहीं रहा एकदम। टू गुड ट्राई करो, मस्ट। सच में ये मस्ट ट्राई है एकदम। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।